हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्राइसिस। इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक क्राइसिस है। क्राइसिस क्या होता है वो आज हम डील करेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या फेजेस हैं, डेवलपमेंटल फेजेस क्या होते हैं क्राइसिस के। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डील करते हैं। क्राइसिस जो एक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो कि क्राइसिस से आया था। ये एक ग्रीक वर्ड है क्राइसिस। ये डिस्क्राइब किया था और दिया था कैप्लन ने। ये कैप्लन, ओके। द टर्म क्राइसिस वॉज डिस्क्राइब बाय कैप्लन एज द साइकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्सन हु कन्फ्रंट्स अ हजार्डस सर्कमस्टांसेस दैट फॉर हिम कंस्टिट्यूएंट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम विच ही कैन नीदर एस्केप और नॉर सॉल्व। ओके, बेसिकली क्राइसिस का मतलब ये है कि एक ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम, एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसइक्विलिब्रियम है किसी भी इंडिविजुअल का, जिस टाइम पे ना वो वहाँ से निकल सकते हैं और ना ही उससे बच सकते हैं, मतलब सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, भाग भी नहीं सकते हैं, उस चीज़ को फेस करना ही करना है। तो उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। वो जो सिचुएशन होता है, वो टाइम जो होता है, वो क्राइसिस हम बोलते हैं उसको। तो ये था फर्स्ट डेफिनेशन। ये किसने दिया था? कैप्लन ने दिया था। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट डेफिनेशन है इसका, अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी और डेंजर। क्राइसिस हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में फ़ेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक टाइम पे फ़ेस करेंगे, अलग अलग टाइम पे फ़ेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हर एक इंडिविजुअल को क्राइसिस फ़ेस करना पड़ता है अपने लाइफ में। वैसे ही क्या होता है, कभी कभी कोई भी ऐसा टाइम जब आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो, या आप डेंजर में हैं, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है, या हेल्थ को लेके क्राइसिस है, मेंटल क्राइसिस है, जो भी मतलब चीज़ होती है, जो डिसइक्विलिब्रियम जो बिगड़ रही है, जो एक नॉर्मल लेवल पे नहीं चल रही है, उसे हम क्राइसिस बोलते हैं। ओके, ये था सेकेंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफ़िकल्टी, द मोमेंट वेन थिंग्स चेंज एंड ईदर इम्प्रूव और गेट वर्स। ये एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा टाइम है जब क्या होता है, जो थिंग्स होते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, या तो वो बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी या फिर उससे ज़्यादा और बुरी हो जाएंगी। मतलब जो भी सिचुएशन है, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, उससे या तो चीज़ें इम्प्रूव होंगी, बेहतर हो जाएंगी, या फिर और ज़्यादा बुरी हो जाएंगी, वर्सन हो जाएंगी। तो हमारा जो लास्ट डेफिनेशन है वो यही बोलता है, अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफ़िकल्टी, द मोमेंट व्हेन थिंग्स चेंज एंड ईदर इम्प्रूव और गेट वर्स। ठीक है, ये तीन डेफिनेशंस थे क्राइसिस के। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फीचर्स ऑफ क्राइसिस पे, कि फीचर्स क्या क्या होते हैं क्राइसिस के, क्राइसिस कैसा, मतलब नेचर क्या होता है क्राइसिस का, ऐसा मतलब इंडिविजुअल है या फिर यूनिवर्सल है, या क्या क्या फीचर्स हैं क्राइसिस के। तो सबसे पहले जो फीचर है वो है, क्राइसिस अकर्स इन ऑल इंडिविजुअल्स एट वन टाइम और अनदर। जैसे मैंने बोला पहले कि ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिविजुअल ही अपने लाइफ में क्राइसिस फेस करता है, जितने भी लोग हैं सभी के सभी क्राइसिस कभी ना कभी फेस करते हैं। या तो कुछ ऐसे क्राइसिस होते हैं जब आप सभी को एक साथ फेस करना पड़ता है, जैसा अभी है कोविड के टाइम पे, जो कोविड वाला क्राइसिस है वो एक ही टाइम पे सभी को फेस करना पड़ रहा है। और कुछ क्राइसिस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे फैमिली में कोई किसी की डेथ हो गई तो उसके वजह से कोई और प्रॉब्लम आना, या फिर किसी को मेंटल क्राइसिस होना, मतलब मेंटल हेल्थ सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आना, घर पे पैसे नहीं हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो क्राइसिस हो गई। तो ये क्राइसिस क्या था, ये इंडिविजुअल क्राइसिस था, और जो सब साथ में फेस करते हैं वो फिर एक ही टाइम पे सभी एक साथ वो क्राइसिस फेस करते हैं। नेक्स्ट है, क्राइसिस प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि अकर, मतलब शुरू होना। ठीक है, तो क्राइसिस प्रेसिपिटेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स का मतलब क्या है, कि क्राइसिस क्या होता है, क्राइसिस ऐसे ही नहीं है कि अपने आप ही हो जाता है, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक इवेंट से ही स्टार्ट होता है। ठीक है,
जैसे अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने के लिए या तो उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा, या फिर रॉबरी हुई होगी, या फिर कोई लॉस हुआ होगा, फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, या फिर आपने कहीं खर्च किया होगा। तो किसी भी क्राइसिस को स्टार्ट होने के लिए, प्रेसिपिटेट होने के लिए क्या होता है, कोई ना कोई इवेंट बहुत ज़रूरी होता है, स्पेसिफिक इवेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस आर पर्सनल बाय नेचर। क्राइसिस क्या होता है? पर्सनल बाय नेचर का मतलब ये है कि जो भी इंडिविजुअल का क्राइसिस होता है वो उसे ही फेस करना होता है। उसके साथ जो भी दूसरे होंगे वो सिंपथाइज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो क्राइसिस वही नहीं फेस कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में कोई क्राइसिस हो रहा है तो फिर वो क्राइसिस सिर्फ वही एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या होता है एक क्राइसिस को फेस करना, उसको सॉल्व करना, उसको एक्सपीरियंस करना, जो भी होता है। वो बस दूसरे क्या कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनका स्ट्रेस कम करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो क्राइसिस वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। दैट्स वाई क्राइसिस आर पर्सनल बाय नेचर, हर एक इंडिविजुअल को ही फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है, क्राइसिस आर एक्यूट नॉट क्रॉनिक एंड विल बी रिजॉल्व विद इन अ ब्रीफ पीरियड। इसमें क्या है, क्राइसिस क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है। एक्यूट का मतलब एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ना कि क्रॉनिक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है। क्राइसिस बहुत कम टाइम के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, विल बी रिजॉल्व विद इन अ ब्रीफ ऑफ पीरियड, छोटे से टाइम में, या फिर छोटा सा टाइम, यहाँ पे मतलब अगर हम एक्यूट की बात कर रहे हैं तो हम 4 to 6 weeks बात कर सकते हैं, जैसा हमने नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो 4 to 6 weeks हो गए, मतलब कुछ डेज हो गए, कुछ वीक हो गया, या फिर 1 month हो गया, इतना ही क्राइसिस का टाइम जो होता है वो रहता है। क्रॉनिक नहीं होता है। क्रॉनिक का मतलब कि मैक्सिमम 6 months से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम आप कितना भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। क्रॉनिक नहीं है, ये एक एक्यूट है, और ये खुद ही मतलब रिजॉल्व हो जाता है एक छोटे टाइम के अंदर, मतलब एक जैसे मैंने बताया 4 to 6 weeks के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाता है, मतलब सॉल्व हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग, लास्ट फोर टू सिक्स वीक्स। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग है। ठीक है, क्राइसिस ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। एक टाइम आता है जब क्राइसिस से सब ओवरकम कर सकते हैं, क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं, और वो उसका जो टाइम होता है वो कितना होता है, 4 to 6 weeks होता है। ओके, नेक्स्ट है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। जैसा मैं पहले और भी बार बोल चुकी हूँ, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ पर कि हर एक इंडिविजुअल को ये चीज़ फेस करना पड़ता है। जितना भी पॉपुलेशन है, सबको लाइफ में क्राइसिस कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। तो ये था फीचर ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्राइसिस, कि क्राइसिस के टाइप्स क्या हैं। तो क्राइसिस क्या है, साइकेट्रिक एमरजेंसी, मैं टाइप्स बता देती हूँ पहले, साइकेट्रिक एमरजेंसी, देन क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी, मैचुरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस, एंड लास्ट है सोशियो कल्चरल क्राइसिस। ओके, ये कुछ टाइप्स हैं क्राइसिस के। अगर आपको इन शॉर्ट इसे याद करना है तो शॉर्ट में आप इसे याद कर सकते हैं, PCSQUARE और MS। हम नॉर्मली बोलते हैं PCM, तो आप इसे याद कर सकते हैं PCMSA। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा अगर शॉर्टकट में आपको याद रखना है तो। ओके, अब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या होता है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से डील करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जस्ट मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ कि ये क्या है। साइकेट्रिक एमरजेंसीज़ में हमने साइकेट्रिक एमरजेंसी में हम पढ़ेंगे कि साइकेट्रिक एमरजेंसी क्या क्या होती है, मतलब ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एक्सपीरियंसेस, या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि उनके ऊपर फोकस किया जाए, उसको हम साइकेट्रिक एमरजेंसीज बोलते हैं। साइकेट्रिक एमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सुसाइड हो गया, एडिक्शन हो गया, किसी भी चीज़, सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह हो गए, और ग्रीफ हो गया, ये सारी चीज़ें साइकेट्रिक एमरजेंसीज के एग्जांपल है। नेक्स्ट है क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस।
क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि किसी भी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करने के बाद जो क्राइसिस स्टार्ट होता है उसको हम क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे कि रॉबरी हो गया या फिर रेप हो गया, तो उसमें क्या होता है, वो किसके अंदर आएगा, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। नेक्स्ट इज़ क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी। क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी में क्या है, साइकोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइकोपैथोलॉजी का मतलब है कि साइकेट्रिक से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू साइकेट्रिक, ठीक है, साइकेट्रिक से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, जैसे कि साइकोसिस हो गया, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये सारे जो मतलब डिसऑर्डर्स हैं, उस वो अगर बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे पहुंच जाता है या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस। मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस जो है उसमें एग्जांपल हम बेसिकली इसमें क्या होता है, मैच्योरेशन का मतलब है कि मैच्योर ढंग से नहीं हो पाना, और डेवलपमेंटल का मतलब है कि मैच्योरेशन और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ में जो क्राइसिस फेस करते हैं उसको हम मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम मेंटल रिटार्डेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं सोशियो कल्चरल क्राइसिस। सोशियो कल्चरल क्राइसिस में क्या होता है, सोसाइटी में कल्चर वगैरह अगर आप बहुत ज़्यादा फॉलो, आप पे मतलब फोर्स किया जा रहा है कि आप कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो करो, ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करो, तो उसकी वजह से भी बहुत गहरा इम्पेक्ट पड़ता है, जो ब्रेन है उस पर बहुत ज़्यादा गहरा इम्पेक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ जो है, ज़रूरी नहीं है कि सारी सोसाइटी मतलब जितना सारे जो कल्चर हैं वो प्रॉपर तरीके से सही हो या फिर हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे हों। बहुत बार ऐसा होता है कि सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि सही नहीं है, बट सभी को फॉलो करना पड़ता है, तो वो फॉलो करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि बहुत गहरा इम्पेक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे, और उसकी वजह से भी क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। उस क्राइसिस को हम क्या बोलते हैं, सोशियो कल्चरल क्राइसिस बोलते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ क्राइसिस। ये क्राइसिस यहाँ पे मतलब वो होता है, एक बार मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा है। क्राइसिस, सबसे पहले हमने डेफिनेशन डील करी। क्राइसिस क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि किससे डराइव हुआ है, क्राइसिस से। ये डिस्क्राइब किया था कैपलन ने इसको डिस्क्राइब किया था एज साइकोलॉजिकल डिस इक्विलिब्रियम ऑफ अ पर्सन। इसमें क्या होता है, क्राइसिस में क्या होता है, ये एक डिस इक्विलिब्रियम सिचुएशन है किसी भी पर्सन का, जिससे ना ही वो भाग सकता है और ना ही उसे सॉल्व कर सकता है। सेकंड डेफिनेशन हमने डील किया टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी और डेंजर। थर्ड हमने डील किया टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर डिफ़िकल्टी, द मोमेंट व्हेन थिंग्स चेंज एंड ईदर इम्प्रूव और गेट वर्सन। फिर हमने यहाँ पे फीचर्स डील किए, फीचर्स क्या क्या है, क्राइसिस क्या है, अकर्स इन ऑल इंडिविजुअल्स एट वन टाइम और अनदर, एक टाइम पे या फिर अलग अलग टाइम पे ही क्राइसिस होगा, लेकिन सभी के साथ क्राइसिस होता ही होता है। नेक्स्ट है क्राइसिस प्रेसिपिटेट फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट्स, किसी एक इवेंट से ही क्राइसिस स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ओरिजिन नहीं है क्राइसिस को होने के लिए। नेक्स्ट हमने बात किया क्राइसिस अ पर्सनल बाय नेचर, जो भी क्राइसिस फेस कर रहा है वो इंडिविजुअल ही फेस करेंगे। नेक्स्ट हमने ये डील किया कि क्राइसिस क्या है, एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है, और ये रिजॉल्व हो जाता है एक ब्रीफ पीरियड में, मतलब 4 to 6 weeks में ही ये अपने आप सही हो जाता है। और हमने लास्ट डील किया कि यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, सभी के सभी फेस करते हैं क्राइसिस को। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ क्राइसिस देखा। टाइप्स ऑफ क्राइसिस में साइकेट्रिक एमरजेंसी है, क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। साइकेट्रिक एमरजेंसी में मैंने आपको एग्जांपल बताया, सुसाइड हो गया या फिर एडिक्शन हो गया। नेक्स्ट क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में मैंने बताया कि रॉबरी या फिर रेप वगैरह हो गया। क्राइसिस रिजल्टिंग फ्रॉम साइकोपैथोलॉजी में स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या फिर
कोई भी सीवियर मेंटल डिसेबिलिटीज़ या मेंटल डिसऑर्डर जो है उसको हम बोल सकते हैं। मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस में मैच्योर नहीं हो पाना या फिर डेवलपमेंट ढंग से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन वगैरह हो गया, तो वो मैच्योरेशनल एंड डेवलपमेंटल क्राइसिस में आएगा। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल क्राइसिस। इसमें क्या होता है, सोसाइटी वगैरह के नॉर्म्स कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो करने की वजह से या फिर उस सारे रूल्स के वजह से बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ सकता है और मेंटल हेल्थ का क्राइसिस आ सकता है। तो ये हो गए कुछ 5 टाइप्स क्राइसिस के। आगे हम नेक्स्ट सेशन में हम डेवलपमेंटल फेजेस वगैरह डील करेंगे क्राइसिस के और टाइप्स जो हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।